लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए हॉलीवुड हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। आजादी की जंग के दौरान एक सवेरे मिगवेल हिडाल्गो की सेना गुआनजुआटो में घुस गई और पूरे इलाके को घेर लिया। कई घंटे के खून खराबे और मार काट के बाद एक बेखौफ सिपाही जिसका नाम अल्पिपीला था, उसने दरवाजे पर आग लगा दी ताकि उसकी सेना अलहोदिगा पर कब्जा कर सके। जीत का शोर चारों ओर फैल गया और असर पूरे शहर पे दिखाई देने लगा। जल्दी करो, सारी मेटल की चीजें अंदर पहुंचाओ। जोजियान, इन्हें जाने मत देना। क्योंकि वो जानता था कि उसे जंग लड़ने के लिए पैसों की जरूरत होगी, इसीलिए हिडाल्गो ने तोपे और मोहरे बनाने के लिए एक फाउंड्री की शुरुआत की जिसने देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान दिया। ये बहुत अच्छा है। गुआनजातो छोड़ने से पहले अपनी सबसे कीमती चीज एक वफादार सिपाही को दे दी। सारी उम्मीदें इस पे टिकी है और तुम पे भी बहुत जिम्मेदारियां हैं। अच्छी तरह से निभा। जिसने कसम खाई थी कि वो किसी भी हालत में उस संदूक की रक्षा करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी। अरे क्या कर रहे हो? इसे मैक्सिको की आजादी के लिए बनाया गया था। जल्द ही उस सिपाही के कसम की परीक्षा ली गई। शाही सेना की हुकूमत वापस आ गई। उन्होंने सिपाही को बंदी बनाया और उसे मैक्सिको शहर में ले गए। उस पर बहुत जुल्म किए गए, लेकिन उसने कभी मुंह नहीं खोला कि संदूक कहाँ है। धीरे धीरे वो लोग उसके बारे में भूल गए और उसे एक अंधेरी कोठरी में छोड़ दिया, वहां अकेले मरने के लिए। जब सिपाही बूढ़ा हुआ और मरने के करीब आया तो उसने उस जगह का एक नक्शा बना दिया। Thank you.
एरिक, चलो ना यार, फुटबॉल खेलने चलते हैं। नहीं आ सकता, मुझे पापा की शॉप में मदद करनी है। फिर से? यार भूल जाओ उसे, वो लड़की तुझे कभी भाव नहीं देगी। मुझे ये सपना तो देखने दो। ओमार, तुम आखिर इन सब वीडियोस का क्या करते रहते हो? ये सब बकवास है। तुम्हें पता भी है क्या इसके बारे में? तुम्हें पता है नेवले अपने सांसों का इस्तेमाल करके दूसरों को आकर्षित करते हैं। तो क्या इसका ये मतलब है कि वो दोनों प्यार में हैं? या ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें स्कूल से नफरत होगा, इसलिए शायद वो हमेशा ऐसा ही करते हैं। छोटे भाई, तुम पागल हो चुके हो, चलो चलते हैं। अब उसे रख भी दो। चल मिलता हूँ, बाय। हे, ये क्या है तुम्हारे हाथ में? वापस दो। मुझे वापस दो। तब तुम आ गए बचाने के लिए? हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? ओहो, देखो ये पूछ रहा है मुझे क्या चाहिए। इधर इधर आ तू। तो क्या सोचा है तुमने, शामिल होने वाले हो या नहीं? मैं ना कह चुका हूँ। मुझे स्कूल में मेरी मदद के लिए कोई चाहिए। तुम्हारा वक्त बर्बाद नहीं जाएगा, फिर से सोच लो। तुमने सुना नहीं? तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो। छोड़ दो इसे, क्या कर रहे हो ये? छोड़ दो मेरे ऐसा भाई मत करो एरिक, तुम्हारा फैसला गलत है। हमें अकेला छोड़ दो वरना मैं चिल्लाऊंगी, और ये तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। ये क्या बात है? जरा शांति से, तुम नहीं जानती कि तुम किससे पंगा ले रही हो जाने मन। तुम लोग उठाओ, मैं देखता हूँ उसे। जल्दी चलो, जल्दी। वो देखो, यहाँ अंदर, वहाँ ऊपर जाओ। रुको, अभी नहीं, आ जाओ। हाँ अभी। थैंक यू। वो भाग रहे हैं। Come on,
अरे क्या कर रहे हो? मेरा फोन। जल्दी चलो चलो। ऊपर जाओ। मुझे उठा लो। तो मैं उठाऊं या उन्हें पकड़ूं? देखिए मेरा यकीन कीजिए, बस थोड़ा सा वक्त चाहिए और हमें। मिस्टर मार्टिनेज, मैं यहाँ बहाने सुनने नहीं, मैं यहाँ आपको ये याद दिलाने आया हूँ कि 72 घंटे में बैंक इस जगह को जब्त कर लेगी अगर आपने कर्ज नहीं चुकाया तो। लेकिन हम इस जगह में रहते हैं, अभी कहाँ जाएंगे इस वक्त? सर एक सेकंड मेरी बात तो सुनिए। आराम से। अपने बेल्ट निकालो जल्दी। लेकिन बेल्ट क्यों? जो बोला है जल्दी करो। हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ये बहुत पतली है, इसे मुझे दो। क्या हुआ? क्या हुआ? बहत्तर घंटे हैं आपके पास मिस्टर मार्टिनेज, मैं चलता हूँ। सर आप हमारी बात तो सुनिए। तुम क्या कर रहे हो एरिक? ये क्या कर रहे हो? हमें यहाँ घर से निकाला जा रहा है और तुम शरारतें कर रहे हो, तुम्हारी समझ में नहीं आता? मैं क्या करूँ, तीन बदमाश मेरा पीछा कर रहे थे। अपने कमरे में जाओ। पर एक शब्द नहीं, चुपचाप अपने कमरे में जाओ। लेकिन वो एक बच्चा है। हाँ क्या तुम ठीक हो? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। है ना? हाँ बिल्कुल, परिवार मुसीबत में एक दूसरे के काम आता है। हाँ तुम सही कह रहे हो। चलो अपना बेड बना लो। कैसे हो तुम? अच्छा हूं मैं, तुम भी ठीक हो ना? बिल्कुल। देखो मार्टिन। ओमार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पूछने आए हो कि तुम मेरा खजाना ढूंढने में मदद करोगे या नहीं। कौन सा खजाना? मेरा फोन, उसमें मेरे लिए बहुत सारी जानकारियां हैं, पता है, बहुत कीमती है। उस फोन को भूल जाओ, अब तक तो उस फोन को बेच दिया होगा। मुझे यकीन है कि अब तक वही होगा। तुम मेरे साथ चलोगे या नहीं? क्या तुम्हारी बहन जानती है तुम मेरे साथ हो? ये उसी का आइडिया है। मैं जानता हूँ, मैं ये करके पछताऊंगा। हाँ यार, हाँ चलते हैं। हाँ मैं कल शाम को मिलता हूँ। हाँ बिल्कुल। अरे ये वाली चीज़ मुझे पसंद आई। में शर्म नहीं आती? मैं 10 साल का हूँ। ये कोई मजाक नहीं जो तुम हंस रहे हो? मैंने तो सोचा था। लगता नहीं कि तुम ज्यादा सोचते हो। अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? वो देखो
अच्छा लग रहा है। क्या हुआ? एरिक, कल वाले लोग हैं। इस तरफ जल्दी चलो। ये तो सबवे है। तुम पागल हो क्या? इसमें 2500 वोल्ट का करंट होता है। तरफ बेहतर रहेगा। क्यों? पता नहीं। जरूर यही जगह है। तुमने पिछली कोठरी के बारे में भी यही कहा था। यही है, यही है, सब कुछ यही होना चाहिए। नहीं, यहीं पर है। तुम्हें कैसे पता? ये पत्थर देख रहे हो, आजादी के टाइम का है। ये गुआनजाटो शहर का नक्शा है। बेहतर यही होगा कि खजाना यही आसपास ही हो। ये क्या है? हाँ, ये जरूर हिडाल्गो शहर पहुंचने का नक्शा होगा। ये नक्शा हमें जरूर हिडाल्गो के खजाने तक पहुंचाएगा, देखना। क्या उसने खजाना कहा? हाँ, शायद खजाना ही कहा। अब तुम्हें यकीन आया मेरी बात पर? अब हम माला माल हो जाएंगे, माला माल। और ये हमारी पार्टनरशिप के नाम, मेरी तरफ से। बिच्छू से भी ज्यादा जहरीला हूं मैं। अपना काम अकेला ही करता हूं, मुझे माफ कर देना। नक्शा तुम्हारे पास है क्या? बताओ। कैसा नक्शा? मैं तुम्हें दूसरी बार नहीं पूछूंगा। उन बच्चों को अकेला छोड़ दो। ये क्या है? ए, कहां भाग रहे हो? क्या मैंने सुना? देखो, तुम अपने काम से मतलब रखो। मैं वही करता हूं जो मेरा दिल कहता है। आ,
जल्दी आओ, जल्दी आओ। इस तरफ। वाह। लगता है वो निकल गया। एरिक को भूल जाओ, वो किसी खजाने की बात कर रहा था। क्या उसने ग्वानजुआटो कहा था? हाँ, और मुझे पता है कि वो कहाँ पर है। क्या है ये? तुम्हें क्या लगता है मेरे नन्हे शैतान, क्या लगता है तुम्हें, क्या हमें कोरिजोन जाना चाहिए? ठीक है, ठीक है। इनपुट डेस्टिनेशन ग्वानाहुआतो, लोकेशन सर्च, डिस्टेंस 373 किलोमीटर्स, अप्रोक्सीमेट टाइम 4 आवर्स, गोइंग टू ग्वानाहुआतो। बेचारा उमर, सब मेरी गलती है, वो मुझसे दूर कैसे चला गया पता नहीं। एक सेकंड के लिए मेरा ध्यान भटक गया था। शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं होगा, उमर बहुत अकलमंद है। शायद वो आदमी उसे ना देखे और वो कार से बाहर निकल जाए। गुआना हुआ तो अब हम क्या करेंगे? पता नहीं, मेरे मम्मी पापा तो मार डालेंगे मुझे, वो वीकेंड के लिए बाहर गए और पहले दिन ही ये सब हो गया। हमें वहां जाना होगा। तुम्हारे मम्मी पापा से मदद मांगे क्या? मेरे मम्मी पापा? कल के बाद मुझे अपने कमरे में कैद होना चाहिए था। जब उन्हें पता चलेगा मैं वहां नहीं हूं तो नाराज हो जाएंगे। हमें ग्वानाहुआतो जाना ही होगा। हम बस ले सकते हैं, मेरे अंकल वहां हमारी मदद कर देंगे। पर पैसे तो इतने ही हैं। तुम्हारे पास कुछ है? कुछ भी नहीं। हम वहां पहुंच सकते हैं। उस कैब से? चलो अंदर आओ। वो ठीक तो है? वो अभी हाईवे पर है। फिक्र मत करो, उस मोटू को तो पता भी नहीं होगा कि वो उसके साथ है। तुम तो चुप ही रहो, तुम्हारी ही वजह से हम वहां गए थे। उमर ने कहा था कि वो तुम्हारा है। और तुमने मान भी लिया? तुम्हारे मम्मी पापा का क्या? वो कल वापस आ रहे हैं और फिर थर्सडे को वापस चले जाएंगे। वो दूर ही रहते हैं क्या? हाँ, वो बहुत ट्रैवल करते हैं। मेरे वाले तो कहीं नहीं जाते। वो जो तुम पर चिल्ला रहे थे, तुम्हारे पापा हैं? हाँ, उन्हें फिक्र हो रही थी, हमें निकाला जा रहा है। सच में? हाँ, ग्वानाहुआतो में मैं अपने अंकल से बात कर पाऊंगा और उनसे मदद लूंगा।
क्या है? मैं नहीं जानता, शायद किसी नक्शे का हिस्सा है। ये उस मोटू का है, वो आदमी का जो मर गया। ड्रैगन्स का राज, ये तो खजाने का नक्शा है। तुम्हें क्या लगता है इसका क्या मतलब होगा? नहीं जानता, पर इस खजाने और ड्रैगन वगैरह की बातें बाद में करेंगे। ओमार को ढूंढना ज्यादा जरूरी है। वो मोटा खड़ूस का इंतजार नहीं करने वाला। ये लो पेट्रोल भर देना। जी सर, आपकी कार वहां पर खड़ी है। तो बताओ अब क्या करेंगे? अपना फोन दिखाओगी जरा? मुझे अपनी मम्मी को फोन करना है। हाँ बिल्कुल, ये लो। तुम्हें भूख लगी है? बहुत। मम्मी, तुम कहाँ हो अभी तक? मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया है। मैं ठीक हूँ, मैं रात से अपने दोस्त के घर पे हूँ। लेकिन तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं तो पुलिस को फोन करने वाली थी अभी। उसकी जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक है, मुझे अपने दोस्त का एड्रेस दो अभी। मम्मी, आपकी आवाज नहीं आ रही। एरिक, एरिक, तुमने अपनी मम्मी से बात कर ली? उन्हें फिक्र हो रही है। उनका कहना है कि हम लियोन के साइड पे हैं और अगर हम एक और रोड पकड़ कर चले। नहीं, सॉरी, बताना भूल गया कि बैटरी लो है। अब हम उमार से बात कैसे करेंगे? हमारे पास पब्लिक फोन के लिए भी तो पैसे नहीं बचे हैं ना। मुझे नहीं पता था ऐसा होगा। अच्छा ठीक है। इधर आओ। एक्सक्यूज मी अंकल, क्या आप हमें गुवाहाटी तो छोड़ देंगे? पैसे हैं तुम्हारे पास? बैठो, छोड़ देता हूँ। पर हमारे पास तो पैसे नहीं है। इसे कहाँ पता है? तुम्हारे माँ बाप तुम्हें अकेले घूमने देते हैं? पापा की कार में कुछ दिक्कत हो गई थी तो ट्रक टो करके लेके गई। वो गुवाहाटी में हमारा इंतजार कर रहे हैं। तुम दोनों भाई बहन हो, तुम्हारी शक्लें तो नहीं मिलती? नहीं, हम दोस्त हैं। हाँ। मुझे लगा था तुम दोनों छोटा कपल हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। दो सौ नब्बे हुए हैं। हे, रुको! अरे अरे रुको, कहाँ भाग रहे हो? मुझे पता था ये दोनों नन्हा कपल ही है। देखो। नहीं, वो यहाँ नहीं है।
पता नहीं वो कहाँ होगा। मुझे ढूंढ रहे हो क्या? तुम क्या कर रहे हो? मैं इसे जरूर अपलोड करूंगा। लगता है कि वो सुराग की तलाश में है। चलो आओ। मेरे पास उसकी और बिच्छू की कमाल की वीडियो है। पता नहीं वो उसे कैसे कंट्रोल करता है। ओमार, हमें मैक्सिको सिटी वापस जाना होगा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम ठीक हो? मैंने फोन किया था लेकिन लगा नहीं। हाँ, इसकी मम्मी से बात करते हुए बैटरी लो हो गई। तो अब क्या करना है? अपना फोन मुझे दोगे? मुझे अपने अंकल से वापसी के लिए टिकट के पैसे मांगने हैं। वापस से क्या मतलब है तुम्हारा? हम खजाने की तलाश नहीं करेंगे? मोटू ने उसके लिए आदमी को मार डाला। सुनो, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हमें इसी वक्त लौटना होगा। मेरे फोन में भी बैटरी कम है। अब बस भी करो, इतनी है कि पूरे दिन चल जाएगी। और वैसे भी तुम फालतू चीजें रिकॉर्ड करते रहते हो। पहली बात तो ये फालतू चीज नहीं है, मैं इन्वेस्टिगेट करता हूँ। और दूसरी बात ये है कि ये फोन मेरा है तो मैं फैसला लूंगा कि इसकी बैटरी कब खत्म होगी और कब नहीं। एक कॉइन मिलेगा प्लीज? मुझे वो नहीं, मुझे एक कॉइन दे सकते हैं? थैंक यू। बहुत सी ग्लास शॉप मिली है, शायद उनकी हो। हमारे पास बस दो कॉल करने लायक पैसे हैं। ओके, मुझे समझ आ गया कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे अंकल कहाँ काम करते हैं? ग्लास फैक्ट्री में, हमारी तरह। नाम क्या है स्टोर का? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। अंकल का नाम? ये रहा, कार्लोस मार्टिन्स। लो, मिल गया, बज रहा है फोन, उठा लेंगे वो। लो बात कर लो। कर लो बात। थैंक यू मेरे भाई। हेलो, कार्लोस अंकल बोल रहे हैं। अरे क्या सरप्राइज है, तुम अकेले हो या तुम्हारे साथ तुम्हारे मम्मी पापा भी हैं? नहीं, मैं यहाँ अकेला हूँ, कुछ दोस्तों के साथ हूँ। मुझे मिलना है, बताओ कहाँ हो? 28D सेप्टेम्बर स्ट्रीट पर। अच्छी बात है, मैं तुमसे मिलने वहीं पर आता हूँ, ठीक है? अलहोंडिया डी पर। हाँ ठीक है, मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ। ओके। अलहोंडिया जहाँ आटे और मक्के के दुकान है ना? तुमने आटे और मक्के कहा? बिल्कुल सही। ग्रैंड डिटेस पर हिल्डाल्गो की जंग की शुरुआत में इस पर कब्जा कर लिया गया था। नहीं, खजाने का नक्शा तुम्हारे पास है, तुमने बताया क्यों नहीं? तुमने कभी पूछा नहीं? ये जरूर अलहोंडिया होगा। ये ताज है राजा का। मुझे ये किला लगा। यकीन से नहीं कह सकते, ये कोई किला नहीं है। यकीन से नहीं कह सकता। खजाना इसी शहर में होगा, सोने चांदी के सिक्के और जेवरात, पता नहीं और क्या क्या होगा वहाँ। हम उस मोटे को उसे ढूंढकर बेचने नहीं दे सकते। शांत रहो। नहीं रह सकता। सुनो, चुप रहो, तुम्हारा एडवेंचर खत्म होने ही वाला है। मेरे अंकल को आने में देर लगेगी, तो हम चलकर देखते क्यों नहीं, क्या पता हमें कुछ मिल जाए। अच्छा ये वाला? हाँ अच्छा, बहुत बढ़िया, ये कितना शानदार है। मुझे यकीन है ये खजाने वाले ही कॉइन्स हैं। ये देखो, सच में कमाल है। हाय, तुम इसे देख सकते हो पर इसे छूना मत। हाँ, ये वाला? तुम यहाँ स्कूल के साथ आए हो? नहीं, हम मेक्सिको से हैं। तुम्हें देखकर लगता है कि ऐतिहासिक चीजों में इंटरेस्ट है तुम्हें। हाँ थोड़ा बहुत। ये हिडाल्गो के हैं क्या? नहीं, ये मॉर्लोस के हैं। हाँ, हिडाल्गो के हैं क्या? नहीं, ये डाल्गो के नहीं है। क्या मतलब कि नहीं है? अलहोंडिगा पर कब्जा करने के बाद हिंडाल्गो ने मेक्सिको के पहले मोहरे बनाने के लिए एक फाउंड्री खोली थी, लेकिन वो उस वक्त नहीं बना पाया था क्योंकि सिपाहियों ने फिर से उस इलाके पर कब्जा कर लिया था, और यही उसकी कहानी है अब तक की। ओ नहीं, मैंने कहा था ना। एक तरफ जहां उस फाउंड्री में बनाया गया एक भी सिक्का कभी नहीं पाया गया, कुछ हिस्टोरिकल्स ये भी कहते हैं कि कुछ बनाए भी गए थे उस वक्त। फाउंड्री कहाँ है? फाउंड्री तो यहाँ से बहुत ही दूर है, हसंडिया आउटस्कर्ट के प्रिंस बैरक के साथ। राजकुमार के बैरिक्स के साथ? उसका हकदार राजकुमार है बेशक। किस राज की बात कर रहे हो तुम?
ये कहानी है। ओमार को इसका शौक है। ये भी बेहद शानदार है। ये एक वीडियो गेम है, आप तो जानती हैं आजकल के बच्चों को इसमें दिलचस्पी होती है। थैंक यू, बाय। ये जरूर अलहोंडिगा होगा और ये बैरिक्स है। हमें वहाँ जाना होगा। इतने खड़ूस मत बनो, वो लड़की बहुत अच्छी थी। तुमने तो बाई तक नहीं कहा। ताज और नक्शा एक राजकुमार का था, किसी राजा का नहीं। राजा को हो या राजकुमार का, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? तुम्हारे अंकल जैसे ही आएंगे हम तुरंत वापस चले जाएंगे। ताज और नक्शा राजकुमार का है, किसी राजा का नहीं। एग्जैक्टली, उसने खून किया और दोबारा भी कर सकता है। ये कागज का टुकड़ा क्या है? कौन सा कागज? जो तुमने छुपाया है, और मुझे ऐसा लगता है कि तुमने इसे म्यूजियम से चुराया है, सही कहा ना? नहीं। ये एक वीडियो गेम का नक्शा है। भागो, चलो। नहीं, रुको, कहाँ भाग रहे हो? उसे पकड़ो। हमें उन बच्चों को रोकना होगा, लगता है कुछ चुरा के भाग रहे हैं। ओमार इधर आओ, ग्राउंड फ्लोर क्लियर है, जरूर सेकंड फ्लोर पर होंगे। कॉपी दैट, हाँ मैं देख रहा हूँ। ओमार इधर आओ। चुप। नहीं पार्टनर, यहाँ हमें कुछ नहीं दिख रहा है, वो बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए। ओके कॉपी, नीचे आ जाओ। दिखे? नहीं पार्टनर, कहीं नहीं मिले। चलो। बताओ तुम्हें कुछ देखा क्या? नहीं। देखो। रुको। आगे। आगे।
चलो 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 जल्दी करो। हाँ ऊपर आओ। आराम से इस तरफ आओ। छोड़ो ये सब, चलो निकलते हैं। पार्टी तो शाम 7 बजे है, तुम लोग जरूर आना। शुक्रिया, बाय। हाँ हाँ, और संभाल कर जाना। आजकल के बच्चे भी ना। चलो। अंदर आओ। बच्चों वहीं रुक जाओ। अरे एरिक, अंकल कहाँ जा रहे हो तुम? रोको उन्हें। क्या हो रहा है? क्या आप इनके पिता हैं? नहीं, मैं इसका चाचा हूँ। मुझे शक है कि ये म्यूजियम से कुछ चुराकर भाग रहा है। क्या ये सच कहती है एरिक? नहीं, उसकी जेब में देखिए, नक्शा है पर म्यूजियम का नहीं है। मैंने आपको बोला था ना ये वीडियो गेम है, लेकिन ये काफी दिलचस्प है। हाँ रख सकते हो इसे। सॉरी ये म्यूजियम का नहीं है। दरअसल इन्हीं लोगों की गलती है, इन्होंने भागना शुरू कर दिया होगा ना। हम गार्ड्स देखकर डर गए थे। कुछ गलत फहमी हो गई होगी। मैं माचिना हूँ, म्यूजियम की केयर टेकर। मैं चलती हूँ, मिलकर अच्छा लगा आपसे। कार्लोस मार्टिनेज। क्यूरेटर कमाल की थी ना, जब वो गार्ड्स को पीछे भगा रही थी तब। नहीं, ब्रेकफास्ट किया है? तुम लोगों को शायद भूख लगी हो। फिक्र की कोई बात नहीं, शुक्रिया। मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। मैं भी बस बेहोश होने वाला हूँ। ये जो सामने है कमाल का चीला क्विल्स बनाता है, चल के खाएं क्या? हाँ बिल्कुल। क्या तुम यहीं से हो? नहीं, मैक्सिको सिटी से। ग्वानजुआटो में कितने दिनों से रह रहे हो? हम मैक्सिको में ही रहते हैं। क्या, मुझे लगा तुम इसके साथ रह रहे हो। हम यहाँ एक साथ आए हैं। अकेले? अब ये मत कहना कि तुम बिना परमिशन के आए हो।
एरिक, आप क्या कर रहे हो? तुम्हारे पेरेंट्स को समझाना होगा मुझे। क्या समझाना है? तुम्हारी चिंता हो रही होगी। मैं तुम लोगों के पेरेंट्स को भी कॉल करूंगा, वो भी परेशान हो रहे होंगे। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है तुम्हें? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? बैंक पापा की शॉप जब्त करने वाला है, मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। तुम्हारे पापा ने भेजा है? नहीं, मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। हाँ, ये सच बोल रहा है। ये वही जगह होनी चाहिए। एक औरत जो गाना गा रही है। मेरे नन्हे शैतान दोस्त, जाओ जाकर दरवाजा ढूंढो, समझे? दरवाजा ढूंढो। सर, ये एक प्राइवेट रिहर्सल है, आप यहां नहीं रुक सकते। एरिक को भेजकर मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो क्या? बाद में बात करते हैं ना। मैंने तुम्हारे डैड से बात की। हाँ, मैंने देखा, वो किसी का भी मूड खराब कर सकते हैं। थोड़ी देर में वो पहुंचने वाले हैं और मुझे तो वो गुस्से में लग रहे थे। आपने मेरे पापा से बात की? नहीं, पर मैंने वॉइस मैसेज छोड़ा है। शुक्रिया। मैंने कहा ना, तुम मेरे साथ सुरक्षित हो। और मैं सुरक्षित हूँ? आपको काम पर जाना होता है क्या? नहीं, कोई जरूरी तो नहीं है। मेरा भतीजा रोज थोड़ी ना मुझसे मिलने आता है, भले ही बिना परमिशन के आता हो। तो तुम क्या करना चाहते हो? बोलो क्या? ये नक्शे वाला हादसा होने से पहले क्यूरेटर ने कहा कि हमें राजकुमार के बैरक्स पर जाना चाहिए। मरियाना, मैं वहां कभी नहीं गया। इरापोर्टो के रास्ते में पड़ता है या आउटस्ट्रिक में है। तो क्या करें? मम्मी पापा के आने से पहले वहां जाना चाहता हूँ। पर अचानक तुम्हें हिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट कैसे आ गया? मरीना ने कहा था वहां जाना मत भूलना, वो वह काम करती है। वो वही रहती भी है। रेवोल्यूशन वगैरह के टाइम के दौरान मारियाना ने हमें बताया था। हाँ, मतलब कि हम भी वहां पर एक बार तो जा ही सकते हैं। तुम इससे पहले कभी ग्वानजुआटो आए हो? नहीं। तुम्हें ये शहर अच्छा लगेगा। रेडियो ऑन कर दो। रेडियो?
किस लिए ऑन करना है? तुम बार बार इस नक्शे को क्यों देखते हो? मैं भी यही पूछने वाली थी। ये खजाने का नक्शा है। खजाने का नक्शा? ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हुई। मुझे तो लगता था कि आजकल के बच्चों को बस वीडियो गेम में दिलचस्पी रहती है। बिल्कुल, ये एक वीडियो गेम ही तो है। अरे ये तो कहीं से भी पुराना नहीं लग रहा है। काफी मॉडर्न लग रहा है। तो चलो फिर आसपास देखते हैं। चलो आसपास देखते हैं क्या है। वाह, ये तो जरूर बैरक्स होंगे। ये हिडाल्गो है। और कुछ नहीं क्या? सुनो, ये आदमी तो बिल्कुल टनल वाले आदमी के जैसा लग रहा है ना? ये तो हूबहू है। 1810 के प्रिंस ड्रैगन रेजिमेंट के बैरक्स के इंचार्ज। यहाँ पर इनके बारे में बहुत कुछ लिखा है। ल्यूटिनेंट्स, जोस का घर। ड्रैगन्स का राज, देश के सरताज का वफादार, जिन्होंने सालों जेल की सजा काटने के बाद दम तोड़ दिया। खजाने को इन्होंने छुपाया था, नक्शा इन्होंने बनाया था। तो फिर वो बूढ़ा आदमी? नहीं, वो 200 साल पहले था। इसीलिए तो नक्शा इनकी जेल के अंदर मिला। तुम्हारा मतलब वो राजकुमार का ड्रैगन था? हमें नक्शे का दूसरा हिस्सा चाहिए होगा। मेरा भी बिल्कुल यही कहना है। बिल्कुल मत हिलना, मैं सच में बहुत हैरान हूँ। मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम दोनों इतने दूर तक पहुंच जाओगे। अगर तुम बस थोड़े और बड़े होते तो मैं तुम्हें काम पे रख लेता। नहीं, हमें पता है तुम अपने आदमियों के साथ क्या करते हो। अब बिजनेस की बात करें, नक्शे का आधा हिस्सा मेरे पास है, बाकी का हिस्सा तुम मुझे दे दो और मैं इसे छोड़ दूंगा। चलो बाकी का हिस्सा दो मुझे। क्या करूं? नक्शा दे दिया, अब उसे छोड़ दो। छोड़ दूंगा, पर पहले ये बता दूं कि अगर मैं तुम्हारी जगह खड़ा रहता तो सीधा खड़ा रहता। मेरा ये नन्हा सा दोस्त ये तभी काटता है जब इसे जान का खतरा रहता है। अगर चुपचाप खड़े रहे तो ये रेंगता रहेगा लेकिन काटेगा नहीं। इसका काटना ना काटना आपके बर्ताव पर निर्भर है। प्लीज कुछ करो। तुम्हें रिकॉर्ड करना पसंद है ना? सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। तुमने इतनी देर क्यों लगाई? अगर मैं मर जाती तो? मैं घबरा गया था। क्या हुआ, तुम लोग ऐसे लड़ क्यों रहे हो? अरे पीछे हटो। ये बढ़िया था। चलो चलते हैं। आपकी और पापा की बहस क्यों हुई थी? तुम्हारे दादाजी के जाने के बाद हम दोनों ही शॉप के इंचार्ज थे, तो मेरे दिमाग में आया कि चलो शॉप में कुछ बदलाव करते हैं, जैसे कि कुछ नए तरह के इक्विपमेंट्स खरीदना और शॉप को और बढ़ाना। पर तुम्हारे पापा को एतराज था, वो चाहते थे सब पुराने जैसा ही रहे। जब सब ठीक है तो बदलने की क्या जरूरत है? अब सोचता हूं तो बेवकूफी लगती है, लेकिन उस वक्त हम दोनों ने एक दूसरे को भला बुरा कहा।
उसके बाद हम लोग अलग हो गए। ये मेरे पापा का फोन है? नहीं, काम का फोन है, बाद में फोन करता हूँ। सेल फोन? ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? किसका सेल फोन? तुम्हारा। तुमने मोटू की वीडियो बनाई है ना? हाँ बनाई है। तो शायद हम नक्शे का दूसरा हिस्सा देख सकते हैं। हाँ एक मिनट, कहाँ है? हाँ ये यहाँ दो। उस लड़की के दिल में जो गाने गाती है, ड्रैगन का राज, उस लड़की के दिल में दफन है जो गाने गाती है, खजाना सिंगर के दिल में है। अरे वाह, हमने सुलझा लिया। तुम्हारे मम्मी पापा आने ही वाले हैं एरिक, अब ये खजाना खजाना खेलना बंद भी करो। एक दिन के लिए इतना एडवेंचर काफी है, अब गेम खेलना बंद कर दो। ये कोई गेम नहीं है। मेरी बात सुनो एरिक, तुम बिना परमिशन के अपने घर से भाग गए, किसी और की गाड़ी में बैठे और यहाँ गुआंजुआटो तक आ गए। तुम्हारे पास खाने तक के पैसे नहीं थे, तुम अब नखरे दिखाने की हालत में नहीं हो। ये कोई नखरा नहीं है। क्या? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमें खजाना पाकर ही शांति मिलेगी। तुम किस खजाने की बात कर रहे हो एरिक? ये एक गेम है जो मैं भी मजे के लिए खेलता था अपने बचपन में। एरिक अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये गेम है। एक मिनट रुको। हेलो, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा, जरा होल्ड करना। एरिक, एरिक, कम ऑन चलो चले। बस इसी की कमी थी। चलो हटो, अभी देता हूँ। हटना, हाँ 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 जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। अंदर आ जाओ।
आखिर ये लोग हैं कौन? मेरे पड़ोस के बदमाश, उन्हें भी खजाना चाहिए। कौन सा खजाना? वो असली खजाना है। ध्यान दो। संभल कर। नीचे झुको। बाप रे, तुम तो बच गए एरिक। गवाहों का कहना है कि इन सब की शुरुआत हुई जब एरिक ने एक बच्चे का स्केटबोर्ड चुरा लिया और भागने लगे, क्योंकि वो बदमाश लोग उनका पीछा कर रहे थे। जो भी हो, मुझे बच्चों को स्टेशन ले जाकर उनका बयान तो लेना ही होगा, है ना? पर इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। क्या तुम ठीक हो एरिक? हाँ, ये बस छोटी मोटी चोट है। उसे ऐसा करना पड़ा क्योंकि वो बदमाश लोग उसके पीछे पड़े हुए थे। माफ करना, मुझे बच्चों को स्टेशन तो ले जाना ही होगा और उनका बयान लेना ही होगा। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? बिल्कुल। आप ग्वानाहोटो की हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानती हो ना? हाँ, बहुत कुछ जानती हूँ मैं। क्या आप गाना गाने वाली लड़की को जानती हैं? या कोई जगह है या इंसान? नहीं, ये तो नहीं पता। कहीं जुरास थिएटर की बात तो नहीं कर रहे? वहाँ बहुत सारे सेलिब्रिटीज गाना गाते हैं। ऐसी कोई जगह है? तुम वहाँ नहीं गए? तुम्हें जाना चाहिए। वो सिटी की सबसे मशहूर जगहों में से एक है। अरे मैं कह रहा हूं ना कि वो पेरिस ओपेरा से इंस्पायर्ड है। कमाल का है हॉल वहाँ पर। ग्रीस म्यूजिस के पेचल के पुतले हैं वहाँ पर, और वो बहुत ही अच्छा है। हाँ, ग्रीक गॉडेस है जो कि पेंटिंग, म्यूजिक और आर्ट को इंस्पायर करती है। बहुत ही अच्छा है। यही रुको, मैं अभी आती हूँ। मुझ पर गोली चलाई गई, आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? अरे आप समझने की कोशिश जल्दी करो, मुझे बच्चों का बयान चाहिए। ये मरवाएगा किसे दिन? जाने से पहले मेरे पास आ जाना। अब ये कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने मुझसे थिएटर के बारे में पूछा था, शायद वो वहीं जा रहे होंगे। मैंने उन्हें रुकने के लिए कहा था, लेकिन अच्छा लगेगा। मैं बार बार तुम्हारी बातों में फंस जाती हूँ। वो जरूर मोजास होंगे। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर होगा। पर क्यों? इसका इनॉग्रेशन 1903 में हुआ। यही डाल्गो के बाद की बात है।
चलो चले। जलपरी, जलपरी जो गाना गाती है, लड़की जो गाना गाती है वो जलपरी है। ड्रैगन्स का राज ये रहा, तो खजाना जरूर उस खान में होगा, तो हमें वहाँ जाना चाहिए। जलपरी के खान के दिल के बीच। चलो चलते हैं। कहाँ जा रहे हो तुम? मैरमेड के पास। खान में? हाँ, आप हमें ले जा सकते हैं। उसे तो काफी साल पहले ही बंद कर दिया गया था। हमें जाना होगा, मुझे अपने होमवर्क के लिए वहाँ की पिक्चर्स लेनी है। प्लीज ले चलिए। बैठ जाओ। थैंक यू। नहीं, वो मोटू यहाँ भी पहुंच गया। फिर मिलेंगे। थैंक्स। पापा का फोन है, उठाना मत। हम खान से निकलने के बाद उन्हें खुद फोन कर लेंगे। ये पक्का बंद होगी, संभाल के जाना होगा। ड्रैगन, ये भी एक ड्रैगन है। नीचे आओ। Oh.
क्या ये खजाना हो सकता है? पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। ये तो डायनेमिक ट्रिक है। डायनामाइट में संतुलन नहीं होता, खासकर जब उसमें नमी हो और वो इतना पुराना हो। समझ गए क्या? एक और ड्रैगन। उधर देखो। वाह वाह। तो खजाने को ढूंढकर कैसा लग रहा है ये बताओ। बढ़िया है, हम अमीर हो गए। ये डेट देख रहे हो जरा? क्या बात है, अब हम अमीर हैं। ये देखो। देखो जरा आराम से। हाँ, ये डेट देख रहे हो जरा? खजाना ढूंढकर कैसा महसूस कर रहे हो? बढ़िया, ऐसा लग रहा है कि हम अमीर हो गए हैं। मजा आ रहा है ना? तुम जाओ, क्योंकि तुम ट्रंक खींच सकते हो। हाँ ठीक है। Ugh!
तुम ठीक तो हो ना? कहीं चोट आई? मेरा पैर। शांत हो जाओ। संभाल के। हाँ, आराम से। ठीक है। हाँ, सही है। बैठे चलो। उठाओ। रख दो। उठाओ। बराबर। एक साथ। थैंक यू। मुझे वहां से बाहर निकालने के लिए और मेरी जान बचाने के लिए, मेरी वजह से खजाना नहीं मिला। तुम किसी भी खजाने से ज्यादा जरूरी हो। एरिक तुम ठीक हो ना बेटे? हाँ, बस छोटी मोटी चोटें आई है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इस पुरानी खान में तुम क्या करने आए थे? हम एक खजाने की तलाश कर रहे थे। खजाने की तलाश? मैं शॉप और घर को बचाने के लिए उसे ढूंढना चाहता था। एरिक, खजाने जैसी कोई चीज नहीं होती। हेलो, हेलो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इस सब के लिए। अरे कोई बात नहीं भाई, ये मेरा भतीजा ही तो है। ओके, मैं जाती हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरी तो जान ही निकल जाती। आइंदा कभी ऐसे खतरनाक काम के लिए मत जाना। खजाना अहम नहीं है, तुम अहम हो। तुम ठीक हो ना बेटा? तुमने तो हमें डरा ही दिया था। दोबारा ऐसी हरकत मत करना। तुम जानते हो ना हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। जब किसी परिवार का कोई हिस्सा मुसीबत में होता है तो उसे किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहिए। मुझे लगता है एरिक की इस गलती के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। मुझे पहले ही तुम्हें कॉल कर देना चाहिए था, पर मेरे घमंड ने मुझे करने नहीं दिया। अब जो हो गया सो हो गया। जो हो गया सो हो गया। तो आप लोग आ गए? मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरे पास तुम्हारे बेटे के लिए खबर है। हेलो, हेलो। हाय, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। हाँ बिल्कुल। मुझे यहाँ दुख रहा है, देखिए ना। हाँ दिखाओ। आप थोड़ी देर बाद उससे मिल सकते हैं। अच्छा ठीक है, आराम से चलो। तो आप आ गए? हमने उस आदमी की पहचान कर लिया जो तुम्हारा पीछा कर रहा था। पता चला है कि वो धार्मिक कलाकृति का सौदागर है और बहुत से देशों में वांटेड है। उसे पकड़ने वाले को काफी इनाम दिया जाना था। अब चूंकि तुमने उसे पकड़वाया है तो उस इनाम के हकदार तुम तीनों बच्चे हो, इसलिए तुम्हें इनाम मिलेगा। और खजाने का क्या? आपको वो मिला? लगता तो यही है कि धमाके में वो सारी चीजें कोलैप्स हो गई। इन्हें खोदने में कुछ साल लग सकते हैं। अब हो सकता है खजाना हमेशा के लिए खो गया हो। एक मिनट, मेरे पास कुछ है। अरे तुम्हें ये कहाँ से मिला? हिडाल्गो के खजाने से। दिखाओ जरा। उसकी डेट देखो। देखकर तो लगता है इन्हें हिडाल्गो की फाउंड्री में ही बनाया गया था। देखकर तो लगता है कि उस समय का सबसे पहला सिक्का था। तो ये मेक्सिको का सबसे पहला सिक्का है, सही कहा ना? अब तो हमें तुमसे माफी मांगनी पड़ेगी। हाँ माफ करना एरिक, मैंने तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं किया। मरियाना, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इन बच्चों को साथ देने के लिए। हाँ, ऐसे कोई बात नहीं है। और तो और, मैं हमेशा से ही ट्रेजर हंट पर जाना चाहती थी। देखो मैं तुम्हें डिनर के लिए बाहर ले जाना चाहता हूँ। मुझे लगता है ये बढ़िया रहेगा।
हिडाल्गो का खजाना एक बार फिर दफन हो गया, लेकिन एरिक को अपने लिए खजाना मिल गया था। खजाना दोस्ती का, खजाना परिवार का और प्यार का। एक दोस्त की मुस्कान के आगे सारा सोना फीका है, और कितना भी पैसा क्यों ना हो, हमें घर जैसी खुशी और अपनापन नहीं दे सकते। यही है वो असली खजाना जिसके लिए किसी भी एडवेंचर से गुजरा जा सकता है। Luchando, ganando, saltando y volando.